प्रदेश के औद्योगिक विकास और अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सतीश महाना जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें जिले का बजट बढ़ाते हुए 363.60 करोड़ रुपए के जिला योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी और जिले की जिला योजना को प्रभावी बनाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं पर बल देते हुए शासन की मंशा अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर सतीश महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों के अनुरूप प्रदेश के लिए बजट का प्रावधान रखा गया होगा। यह देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, जिसने अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व के जरिए देश को संवारा है। देश के लिए सौभाग्य की बात है कि देश ने एक ऐसे व्यक्ति को देश का पुनः इस देश की बात को सौंपी है, जिन्होंने 5 वर्षों तक अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने समर्पण से, अपनी सेवा से भारतवर्ष की आम जनमानस की सेवा करी और भारतवर्ष का मान पूरी दुनिया में ऊंचा किया। उस विश्वास के साथ लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है जो विगत कई दशकों से किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि सबका साथ और सबका विकास, पूरे देश की जिस प्रकार से उन्होंने चिंता करी है, वो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के लिहाज से बजट में प्रावधान होगा। ये प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। योजना की बैठक के परिवहन निर्धारित करने के लिए बैठक संदर्भ में आज मैं अयोध्या में हूँ। विधायक जी, पिछले साल जो जिला योजना के परिवहन निर्धारित किया गया लगभग 354 करोड़, उसमें 75% से ज़्यादा खर्चा यहाँ पर किया गया। जिला प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया गया और उसमें कई तो ऐसी योजनाएं जिसमें 100%।